राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, आप में से बड़े सारे लोगों का मेरे पास प्रश्न आता है कि दीदी, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश हैं, हमारे लड्डू गोपाल हमारी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारी पूजा से खुश हैं या नहीं है? तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिससे आपको अनुभूति भी हो जाएगी और साक्षात देखने को भी मिल जाएगा कि आपके बाल गोपाल आपकी पूजा से खुश हैं या नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की खुशी के होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर एक, जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करते हो तो एक दिया जलाते हो, चाहे वो आप घी का दिया जला सकते हो, चाहे वो तिल के तेल का जलाते हो, लेकिन भगवान की आरती के लिए आप एक दीप प्रज्वलित अवश्य करते हो। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भगवान विष्णु की आरती के लिए जो दीप प्रज्वलित किया जाता है उसकी जो बत्ती होती है वो गोल होनी चाहिए, ठीक है। हर भगवान की आरती के लिए अलग अलग बत्ती का उपयोग किया जाता है। तुलसी मैया की आरती के लिए कैसी बत्ती होनी चाहिए, माता रानी की आरती के लिए कैसी बत्ती होनी चाहिए, विष्णु भगवान की आरती के लिए कैसी बत्ती होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जो विष्णु भगवान बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है, तो उनकी आरती के लिए गोल बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए। तो जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करते हुए दिया जलाते हो, दीप प्रज्वलित करते हो, तो आपने देखा होगा उसमें एक फूल, जो वो फूल बन जाता है तो वो प्रमाण होता है कि आपकी पूजा से आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा प्रसन्न है और फूल बनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और आपका फूल बन रहा है तो ये प्रमाण है कि आपकी पूजा भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी पूजा भगवान कबूल कर रहे हैं। चलिए दूसरा सिम्टम्स बताती हूँ मैं आपको। जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं और आपने धूप भी नहीं जलाई है, माला भी नहीं पहनाई है, केवल पूजा करने के लिए आप लोग बैठे हो और अचानक से आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, चाहे आप वो गुलाब की खुशबू भी बोल सकते हैं, चाहे आप वो इत्र की खुशबू भी बोल सकते हैं, कहीं से फूल की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, लड्डू गोपाल में से कोई खुशबू आने लग जाए, वैजंती माला की खुशबू आने लग जाए, तुलसी की खुशबू आने लग जाए, गुलाब के फूलों की खुशबू आने लग जाए, रजनीगंधा के फूलों की खुशबू आने लग जाए, इस प्रकार से किसी भी फूल की खुशबू या किसी भी अच्छी सी जो खुशबू होती है वो अगर आपको आ रही है तो ये दूसरा सिम्टम्स होता है जिससे ये पता किया जाता है कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल आपकी पूजा से खुश हैं, आपकी पूजा अर्चना वंदना उन्होंने कबूल करी है। तो ये सिम्टम्स होता है। नंबर तीसरी और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात जो मैं आपको बता रही हूं कि आप घर में पूजा कर रहे हैं, अचानक से आपके घर पे किसी भी बच्चे का आगमन हो गया या फिर छोटी सी कन्या का आगमन हो गया या फिर किसी भी लड़के का आगमन हो गया जिसकी आयु 8 वर्ष से कम है, ठीक है। अगर 8 वर्ष से कम की आयु के बच्चे का आगमन, जिसकी खेलते खेलते आपके अड़ोस का बच्चा या पड़ोस का बच्चा आपके घर पे अगर आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं कि भगवान आपकी पूजा अर्चना वंदना से खुश हैं, भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। नंबर चौथा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं और आपके घर के बाहर गौ माता का आ जाना। अगर आपके घर के बाहर पूजा करते वक्त गौ माता आ जाती है और गौ माता का न केवल आना, अगर गौ माता मल त्याग कर देती है, अर्थात गोबर कर देती है या फिर टॉयलेट कर देती है, गोमूत्र कर देती है या फिर गोबर कर देती है, तो ये बहुत ही अच्छा सिम, भगवान का नाम गोविंद और गोपाल गौ माता के नाम से ही पड़ा था, तो ये बहुत अच्छा सिम्टम्स होता है कि आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल आपकी पूजा से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, आपकी पूजा से बहुत बहुत ज्यादा खुश है। तो चलिए नेक्स्ट ले लेती हूँ। जब भी आपके घर के बाहर पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, सुबह पूजा कर रहे हैं या शाम की पूजा कर रहे हैं, अचानक से किसी भिक्षुक का आ जाना या फिर किसी नीडी व्यक्ति का आ जाना और उसका कुछ आपसे मांगना, जैसे कि कुछ खाने के लिए मांग देना या फिर भिक्षुक का कुछ मांग लेना, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल आपसे खुश हैं और वो आपको, आपसे किसी ना किसी बहाने को किसी ना किसी की सेवा का मौका दे रहे हैं। तो ये जो सेवा का मौका दे रहे हैं, किसी भिक्षुक की सेवा का मौका दे रहे हैं या किसी की भी सेवा का मौका दे रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स में आता है कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वे हमारी पूजा कबूल कर रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी लोग मुझसे बोलते हैं, दीदी हमें बहुत ज्यादा रोना आता है जब हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो आंखों से पता ही नहीं चलता, ब्लैंक हो जाता है और आंसू अपने आप निकलना। तो अगर आपकी भी पूजा करते वक्त नॉन स्टॉप आंसू अपने आप निकल रहे हैं
तो दैट इज कॉल आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी निकल रही है और भगवान के तरफ आपकी जो आसक्ति है, आपकी जो प्रीत है, आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो रहा है। और उस टाइम पे आपका हार्ट और भगवान का हार्ट, मतलब भगवान का दिल और आपका दिल मिल रहा है, दैट इज वेरी बेस्ट सिम्टम्स कि भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, वो आपकी पूजा अर्चना वंदना दिल से बोल कर रहे हैं। तो आंखों से आंसू आना पूजा करते वक्त बहुत गुड सिम्टम्स माना जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स माना जाता है कि भगवान इससे खुश। आप किसी भी मंदिर में गए हैं, चाहे वो लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर हो, चाहे वो विष्णु भगवान जी का, लक्ष्मी जी का मंदिर हो, या फिर आप किसी भी मंदिर में गए हो जिसमें राधा कृष्ण जी की कोई प्रतिमा हो, या फिर कोई भी मंदिर किसी स्कॉन टेम्पल में किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में गए हो और आपको वहां पे आकर किसी ने तुलसी माला दे दी हो, किसी ने प्रसादी दे दी हो, कुछ किसी ने फूल माला दे दी हो, तो ये भी बहुत अच्छा सिम्टम्स होता है कि भगवान ने वो चीज आपके लिए भिजवाई है। दैट इज कॉल्ड कि भगवान आपकी पूजा अर्चना वंदना से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, भगवान आपसे बहुत ज्यादा खुश है। और अब मैं आपको लास्ट सिम्टम्स बता रही हूँ। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप अपने लड्डू गोपाल की जब सेवा अर्चना पूजा वंदना करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल हंस रहे हैं, कभी आपको फीलिंग आती है कि लड्डू गोपाल का आज मुंह बना हुआ है, कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आज उनका नहाने का मन नहीं है, आज उनको ये कपड़े नहीं पहनने हैं, कपड़ों का कुछ कर देंगे, कभी रोने जैसी शक्ल बना लेंगे। हम उनको बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में, जब कभी हमें बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में जाना होता है तो बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में जब हम लाला को उठाते हैं तो उनका फेस का इंप्रेशन हम लोग देख के बता देते हैं कि ये गुस्सा है। हम कहीं बाहर से दूर से आते हैं, जैसे कि मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के आती हूँ और अल्ट्रासाउंड करा के बाद अगर मेरे को लड्डू गोपाल बाल गोपाल को देखती हूँ तो आई फील लाइक कि हाँ वो मुझसे गुस्सा हो रहे हैं कि इतनी देर तक मुझे अकेला छोड़ के क्यों गए हो। तो ये भावना भी आप में खुद ही आ जाती है उनका फेस रीड करने की, टाइम टू टाइम उनकी सेवा अर्चना करते हुए उनका फेस रीड करने की जो भावना आप में आ जाती है, उनके फेस का इम्प्रेशन आपको बता देता है कि आप वो आपकी पूजा से प्रसन्न है या दुखी है। साथ ही के साथ आपके घर में एक ना सकारात्मक माहौल हो जाता है, जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर पे आते हैं तो एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाती है, क्योंकि अगर वो हमारे घर पे आ गए हैं तो वो हमारे घर का ही एक हिस्सा हो जाते हैं, हमारे घर का एक मेंबर हो जाते हैं। और आपको जैसे कि कितने मेंबर हैं आपके घर पे, तो आप जब काउंट करते हो तो उनकी काउंटिंग भी होती है। तो किसी की भी शादी होती है तो उनके लिए भी सामान आता है, या फिर कुछ भी हो गया तो वो फैमिली का एक मेंबर, फैमिली के एक हिस्से हो जाते हैं। और जिस भी फैमिली में लड्डू गोपाल एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं, वहां पे कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है, वहां पे कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, अगर आती है तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे सिम्टम्स से पता भी चल जाता होगा कि लड्डू गोपाल बाल गोपाल आपकी पूजा से खुश है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास आप लोगों का मैसेज आएगा और समय होगा तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।